पिछले 3 दिनों से लगातार प्रदूषण के स्तर में सुधार हो रहा है। अगर एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखें तो दिवाली से पहले जो प्रदूषण की स्थिति थी, दिल्ली आज उस स्थिति में पहुंच चुका है। दिवाली के बाद से लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा था और उसको देखते हुए दिल्ली के अंदर जो रूटीन कार्रवाइयां थीं उसके अलावा कई सारे प्रतिबंध लगाए गए थे। आज दिल्ली के तमाम उच्च अधिकारियों के साथ हमने समीक्षा बैठक की और बैठक के बाद जो हमने प्रमुख निर्णय लिए हैं, दिल्ली के अंदर जो बाहर से ट्रक या गाड़ियों की एंट्री थी, एसेंशियल सर्विस के अलावा सभी बैन थी। आज हमने ये निर्णय लिया है कि ये 27 तारीख से सीएनजी और जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उनको प्रवेश दिया जाएगा, बाकी गाड़ियों का 3 दिसंबर तक बैन रहेगा। सर इसे चार सर तो सारे व्हीकल या कोई भी व्हीकल, तो 27 तारीख से सीएनजी और इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां हैं उनको एंट्री मिलेगी, एसेंशियल सर्विस गाड़ियां जो हैं उनको एंट्री मिलेगी, बाकी गाड़ियों पे 3 दिसंबर तक बैन रहेगा। 29 तारीख से दिल्ली के अंदर स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे, यानी मंडे से। सोमवार से सभी स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी जो बैन था वो सभी खोल दिए जाएंगे 29 तारीख से। स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी सभी। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखे, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहे। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।